नमस्कार, आप देख रही हैं SBN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपने किस तरीके से देखा ही होगा कि जो तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है नूपुर शर्मा विवाद को लेकर के, वो विवाद अलग अलग मोड से अब सामने आ रही है और इस विवाद को भड़काने के लिए जो संस्था जो लोग हर तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस विवाद को और भड़काया जाए, उनकी तस्वीरें भी एक एक करके साफ होती जा रही है। उनके तस्वीरों को देखते हुए यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिली है, लेकिन लगातार इस तरीके की तस्वीरें फिर भी सामने आना बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पे खड़ा करता है। और यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि जिस तरीके से इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, जिस गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए थी, बजाय उसके इस मुद्दे को भड़काने के लिए और घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आखिर किस हद तक सही है? क्यों इस तरह से जो है लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? आखिर क्यों, जब सभी को पता है कि इस प्रावधान के अंतर्गत उन्हें सजा मिल सकती है, तो भी इतनी तेजी से अपने सुर कैसे बुलंद कर रहे हैं ये विरोधी भाषी? लेकिन इन सब से पीछे एक और अहम सवाल है, वो ये कि जब इस मुद्दे पर रोजाना कार्रवाई जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है, वो कानून की पकड़ देखने को मिल रही है, तो आखिरकार इस कानून की पकड़ पर यहाँ कब तक जो है इस मामले को सुलटाने की कोशिश की जाएगी? इस पूरे मामले में तरह तरह की और बातें हैं जो अभी सामने निकल कर के आ रही है और इनमें लगातार एक मुद्दा और है जो हमारे सामने आया है, वो है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का। आपको बता दें कि इनकी जो दरगाह है वो पूरे देश और दुनिया में अमन का पैगाम देने वाले मुकद्दस जगह कहलाती है, लेकिन नूपुर शर्मा मामले के बाद जिस तरह से इस दरगाह का इस्तेमाल धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, उसी कड़ी में एक के बाद एक विवादित वीडियो वायरल होकर के सामने आ रही है। अब हम आपको चलिए एक ताजा मामले से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आपके स्क्रीन पर वीडियो जो है आपके सामने होगा, इस वीडियो को देखिए, इसमें किस तरीके से भड़काने की जो भावना है वो दिखाई दे रही है। हम इस पूरे मामले को आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये शब्द आप सुनिए कि किस तरीके से लोगों को भड़काया जाता है, किस तरीके से अपनी जनसभा में बुला करके वो घी डालने की कोशिश पूरे आग में की जाती है, जिसकी धधकती भभकती आग जो है वो आपके घर को जला सकती है, वो इस देश को जला सकती है। आप देखिए इस वीडियो को और सुनिए कि मौलाना साहब क्या कुछ कह रहे हैं। और इसका जो मुल्क में हालात है, नाबूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनी नाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। हुजूर गनी नाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे जाएगा। तो देखा आपने इस वीडियो को, अब हम आपको इसके पीछे की पूरी डिटेल समझाते हैं। दरअसल ये ताजा मामला अजमेर की दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का है। ये वही सरवर चिश्ती है जो खुलेआम अपने आप को PFI का मेंबर करार देते हुए लगातार विवादास्पद तरीके से रह रहे हैं। ये ताजा वीडियो उस समय का है जब सरवर चिश्ती अंजुमन कमेटी के सचिव चुने गए और उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को संबोधित करते हुए पैगंबर मोहम्मद और सूफी संत ख्वाजा मुनाइदीन हसन चिश्ती के खिलाफ लगातार हो रही बेअदबी का हवाला देते हुए ऐलान किया, अब ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिसको पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो बड़े ही बेअदबी के साथ कर रहे हैं और इसकी खिलाफत भी कोई नहीं कर रहा है। इसके सामने सुनने वाले लोगों की तादाद आप देखिए, ये लोग वही हैं जिनकी तादाद काफी लंबी है, ये लोग वही है जो इस तरीके की बयान सुन करके उस रोड पर उतरते हैं, उस सड़क पर उतरते हैं जो हिंदुस्तान के साथ में जुड़े, और उसके बाद उन सड़कों पर जो दंगे फैलाते हैं, उनके बाद उस लपटों में
लाखों लोग झुलसते हुए नजर आते हैं। ये सब इन सब बयानों की वजह से होता है। इस बयान का इस तरीके से सामने आना, जो अंदाजा दिखा रहा है, जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसके ऊपर एक खिलाफत की लकीर जो है वो खींची गई है। इस खिलाफत की लकीर को मिटाने के लिए आखिर कब तक हमारा प्रशासन सख्ती से कदम उठाएगा? जिस तरीके से हिंदुस्तान को लेकर के ये बयानबाजी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान पर निशाना साधा जा रहा है, ये आखिर कहां तक सही है? क्या नुपुर शर्मा विवाद का जो असर है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है? क्या नुपुर शर्मा विवाद का जो मामला है उस मामले को लेकर के क्या हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरह से ऐतिहासिक दंगे कराए जाए? क्या इस ऐतिहासिक दंगे की वजह से जो लोग झुलस रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्या उनका परेशान करना ये सही है? क्या इस तरीके से चिश्ती साहब का बयानबाजी करना सही है? क्या इस तरीके से मुस्लिम लोगों को भड़काना सही है? क्या हिंदुस्तान को लेकर के बयानबाजी करने वालों पर रोकथाम के लिए क्या कोई नहीं खड़ा? तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन जिसका जवाब जो है अभी प्रशासन भी देने से कतरा रहा है। अब आगे सुनिए इस कहानी में क्या होता है। सरवर चिश्ती ने जिस अंदाज में ये ऐलान किया, वो उनके इरादों को साफ तौर पर जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार किस तरह से अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने खुलेआम हिंदुस्तान को हिला देने की बात कही। ऐसा नहीं है कि सरवर चिश्ती ने इस तरह की हिमाकत कोई पहली बार की हो। इससे पहले भी 26 जून को हिंदू समाज द्वारा निकाले गए जुलूस के बाद सरवर चिश्ती का एक विवादास्पद वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सरवर चिश्ती ने दरगाह की सीढ़ियों पर खड़े होकर हिंदू समाज की आलोचना करते हुए उन हिंदू दुकानदारों को निशाना बनाया था जिनकी दुकानें दरगाह के आसपास के इलाकों में है। उन्होंने कहा कि ये सभी दुकानदार जायरीन से कमाते हैं और उन्होंने कहा कि अब इनके विषय में जायरीन को ही निर्णय करना होगा। सीधे तौर पर इस तकरीर में सरवर चिश्ती ने हिंदू समाज की आलोचना करते हुए हिंदू समाज के दुकानदारों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही थी। इससे पहले भी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की सीढ़ियों पर खड़े होकर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर आपत्तिजनक नारेबाजी की थी और नुपुर शर्मा का सर कलम करने की बातें भी कही थी और इस संबंध में नारे भी लगाए गए थे। इस मामले में दरगाह पुलिस थाने में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन गौहर चिश्ती फरार होने में कामयाब हो गए। अब आप सोचिए कि इस तरह से नामचीन दरगाह में ओछी हरकतें होती हैं, ये किस हद तक सही है? इससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय पर दरगाह पर भी एक जरूरी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है दरगाह जो है आने वाले समय में बंद भी कर दिया जाए अगर इसी तरह के सुदंग के फसाद जो है वो बढ़ते रहे तो। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ उस समय दरगाह से हो रहा था जहां से पूरी दुनिया को अमन और चैन का पैगाम दिया जाता है। अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज करार देने वाले खुद ख्वाजा साहब की शिक्षाओं को भूलकर अपने कातिलाना इरादे जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवालों के घेरे में दरगाह कमेटी भी है। दरगाह एक्ट के तहत बनी ये कमेटी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और वर्ष 2020 में दरगाह कमेटी में बकायदा एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का इस्तेमाल केवल मजहबी मामलों के लिए ही किया जाएगा। दरगाह का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में देश की सरकारों और देश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद दरगाह कमेटी की चुप्पी आश्चर्यजनक है। आखिर क्या वजह है कि लगातार सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो है इस दरगाह का इस्तेमाल कर विदेश फैलाने का जो खेल रच रहे हैं, लेकिन दरगाह कमेटी की कोई भी कदम उठाने के लिए इसके खिलाफ तैयार नहीं है। तो ये खिलाफत की जो राह है जिस तरीके से चिश्ती ने अपनाई है, उसके ऊपर आखिरकार दरगाह कमेटी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या वो बैठी हुई है कि केंद्र सरकार और हिंदुस्तान के उन तमाम कानूनों का इस्तेमाल करके दरगाह के ऊपर कार्रवाई की जाए? इन पूरे मामलों को सुनते हुए आप क्या कहते हैं कि दरगाह से निकलने वाले इस तरीके के बयान पर कब लगाम लगेगा? इस तरीके के बयान पर लगाम लगाने के लिए उन किस कानून का जो है सहारा लिया जाए जिससे कि इस पर लगाम लगाया जा सके? इन तमाम मुद्दों पर आप लोगों की राय जो है वो बेहद अहम है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।